यज्ञ की समाप्ति पर सुग्रीव, विभीषण आदि सहित राजाओं तथा ऋषिमुनियों एवं निमंत्रित जनों को अयोध्यापति राम ने सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने राजकाज में मन लगाया। प्रजा का पालन करते हुए उन्होंने असंख्य यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान किए। अनेक राज्य की महिमा दूर दूर तक फैल रही थी। प्रजा सब प्रकार से सुखी और संपन्न थी। पुत्रों एवं पौत्रों की समृद्धि एवं श्रद्धा से घिरी हुई माता कौशल्या ने इस संसार का त्याग किया। उनकी मृत्यु के पश्चात की गई सुमित्रा भी परलोक गामिनी हो गई। भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल जब बड़े हुए तो कैकेय नरेश तथा भरत की मामा यथाजित ने श्री राम के पास संदेश भेजा कि सिंधु नदी के दोनों तटों पर गंधर्व देश बसा हुआ है। उस प्रदेश में गंधर्व राज शैलूष अपने 3 करोड़ महापराक्रमी गंधर्वों के साथ राज करते हैं। यदि आप उस प्रदेश को जीतकर सिंधु देश के दोनों ओर के प्रांतों को तक्ष और पुष्पक को सौंप दे तो अति उत्तम होगा। कैके नरेश की आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री राम ने भरत को गंधर्व देश पर आक्रमण का आदेश दिया। कैके नरेश युधाजित भी अपनी सेना लेकर भरत के साथ जा मिले। दोनों सेनाओं ने मिलकर गंधर्वों की राजधानी पर धावा बोल दिया। दोनों ओर की सेनाएं भयंकर गर्जन तर्जन करती हुई परस्पर युद्ध करने लगी। देखते देखते समर भूमि में रक्त की नदियां बह गईं। सैनिकों के रुंड मुंड उस शोणी सरिता में जल जंतुओं की भांति बहते दिखाई देने लगे। 7 दिन तक यह भयानक युद्ध चलता रहा। अंतिम दिन वीर भरत ने सवर्त नामक अस्त्र का प्रयोग करके गंधर्व सेना का सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार गंधर्व को परास्त कर भरत ने 2 सुंदर नगरों की स्थापना की। एक का नाम तक्षशिला रखा और तक्ष को वहां का राजा बनाया। दूसरे का नाम पुष्कलावत रखकर उसे पुष्कल को सौंप दिया। नए अधिपतियों के शासन में दोनों नगरों ने अभूतपूर्ण उन्नति की। 5 वर्ष पश्चात भरत अयोध्या लौट आए। इस पश्चात श्री राम ने भरत के परामर्श से लक्ष्मण के पुत्र अंगद के लिए कारुमत में और चंद्रकांत के लिए नगर का निर्माण किया और उन्हें वहां का राजा बनाया। राजकाज की समुचित व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अंगद के साथ लक्ष्मण को और चंद्रकांत के साथ भरत को भेजा, जो 1 वर्ष तक वहाँ समुचित प्रबंध करके अयोध्या लौट आए। अगले प्रसंग में फिर मिलते हैं। जय जय श्री राम।